हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल इंडियन गर्ल इन यूरोप। आज जो टॉपिक है, ऑफकोर्स आपको टाइटल देख के समझ में आ ही गया है, वही है कि अगर आपकी इंडिया में 25 लाख सैलरी है और अगर आपको जर्मनी में 60,000 ऑफर हो रहे हैं तो क्या आपको मूव करना चाहिए। वीडियो उसी के बारे में होगा। हम लोग जो हैं वो आपको ऑफकोर्स मनी मैटर्स कि आप एट द एंड कितना सेव करोगे यहाँ पर उसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उस पर कंपेयर करेंगे कि जर्मनी रहने के क्या एडवांटेजेस हैं या जर्मनी में अगर आप जॉब करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, प्लस इंडिया में अगर आप रहोगे तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे और डिसएडवांटेजेस होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। तो दीपक, जैसा कि ये कॉमन सा टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारी बात चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और जानना चाहते हैं, अब बताओ हम लोग इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। तो यार, ये एक्चुअली बड़ा कॉमन मुद्दा है जो बिल जॉब के लिए स्विच करना चाहता है, और इंडिया में भी सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया, सैलरीज बढ़ गई, तो अब लोग ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। तो हम कंपेयर करेंगे ऑफकोर्स पैसा और बाकी सारे फैक्टर्स भी जो इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में, जैसे लाइफस्टाइल, ट्रैवल करना, डेली की लाइफ में डिफरेंसेस आपके, प्लस आपके सोशल सर्कल, इमोशनल लाइफ, हेल्थ बेनिफिट, वो सारी चीज़ें, और एंड ऑफ द डे हम आपको नंबर्स भी बताएंगे कि इस पर्टिकुलर सैलरी पे आप यहाँ पे कितना बचा सकते हो। इंडिया में आपको पता ही है, फिर आप डिसाइड कर सकते हो डज इट मेक सेंस टू शिफ्ट और नॉट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिकॉज नंबर्स हम लास्ट में बताएंगे कि आप यहाँ पर कितना सेव कर सकते हैं, व्हाट इज़ द अमाउंट, मैंने सोचा है कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस आएंगे। मे बी वो किसी लोगों के लिए एडवांटेजेस हो सकते हैं, किसी के लिए नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइफस्टाइल चेंजेस पे आते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि सबसे पहला चेंजेस क्या आएगा जब कोई भी यहाँ पर मूव करता है? देखो, सबसे मेजर चेंज जो आपको इमीडिएटली दिखेगा आते से ही वो है कि सारे काम खुद से करने पड़ेंगे भाई। मतलब इंडिया में आप फिर भी आप हाउस हेल्प और ये सब ले सकते हो, खाने के लिए, क्लीनिंग के लिए सर्विसेज सस्ती हैं, कुछ भी अगर आपको काम करवाना है, रिपेयर का, ये सब चीज़ें कॉल करता है इंसान या ऐप पे बुक करता, फटाक से हो जाता है। मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लोगों को उतना काम करने का ज़रूरत पड़ती नहीं है खुद से हर चीज़। पर यहाँ पर आप ये मान के चलो पहले दिन से आपको हर चीज़ खुद से करनी है, हर चीज़, मतलब खाने का, क्लीनिंग का, रिपेयर का, कुछ अगर इंस्टॉल करना है, वो फर्नीचर अगर आपने मंगाया तो वो आपका अनअसेंबल आता है, उसको असेंबल करना, उसके लिए टूल्स होने चाहिए, सारी चीज़ें उठा के अंदर रखना, बाहर रखना, सब आपको खुद से करना पड़ेगा। इवन कहीं लेने जाना है कुछ सामान तो जाओ आप, कोई चीज़ सेकेंड हैंड ले रहे हो कहीं से तो उसके लिए आप गाड़ी रेंट पे लो, सामान खुद उठाओ, दोस्तों की हेल्प लो, रखो गाड़ी में, वापस लेकर आओ। ये सब चीज़ें बड़ी आसान लगती है सुनने में, पर यार इतनी इजी है नहीं कंटिन्यूसली करना रहकर। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। ऑफ कोर्स आप हर चीज करवा सकते हो पैसे देकर, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो जनरली लोग नहीं करवा पाते हैं। एंड दिस कैन बी अ डिसएडवांटेज फॉर द न्यू कमर्स जो यहाँ पर आ रहे हैं। मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जो कि बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, विच इज़ आप जैसे ही यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपको बहुत ही सब कुछ सुंदर लगता है, जो एक पीस देता है आपके दिमाग को, आपके दिल को। यू फील गुड जब आप यहाँ पर आते हो, मूव करते हो, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो जाता है। सब चीज़ें सिस्टमैटिक लगती है, आपको ऐसा नहीं लगता लाइफ जो है वो बहुत ही भाग रही है, जो कि एक अच्छा पॉइंट होता है जब आप इंडिया से यहाँ पर मूव करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन यार, आप ना पेपर वर्क की आदत डाल लो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो। देखो, ये चीज़ें बड़ी छोटी लगती है सुनने में, पेपर वर्क पर नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको हेक्टिक होने लगता है उस चीज़ से। लेटर सिस्टम यहाँ आज भी चलता है, आपको हर चीज़ के लिए लेटर लिखना है, पोस्ट करना है। और सबसे बड़ा जो एक ड्रास्टिक चेंज जो मुझे लगा था सुरभि लाइफ स्टाइल में, वो ये था कि जब हम इंडिया में कुछ चीज़ ऑर्डर करते थे तो वो लोग आके डिलीवर करते थे, जब हम रिटर्न करते थे तो वो आके ले जाते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे आप ऑर्डर करोगे तो वो दे जाएंगे, डिलीवर कर लेंगे, लेकिन अगर रिटर्न करना है तो खुद पैक करो, उठाओ, उसका रिटर्न लेबल प्रिंट करो, चिपकाओ और लेके देकर आओ वापस जाकर उनका जो भी DHL का है या जहाँ पे भी रिटर्न सेंटर है वहाँ। तो ये भाई साहब बहुत बड़ा चेंज है। तो इस तरह की बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं खुद से सारे काम। प्लस ऐड टू दिस पॉइंट, जैसे ऑफिशियल चीज़ें जो हैं और बाकी सारी चीज़ें उन सब में जर्मन आ जाएगी, तो आपका फ़ोन जो है वो पूरे टाइम ट्रांसलेशन में लगा रहेगा अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो वो एक चेंज आ सकता है लाइफस्टाइल में। जो नेक्स्ट है वो ये है कि खाना और जो इवेंट्स होते हैं वो आप मिस करोगे, वो ये एडवांटेज है। स्पेशली खाना, अगर मैं सुरभि के मैं ऐड करूँ इस चीज़ में कि आपको, आप अगर आप फूडी हो तो आपको वैसा टेस्ट नहीं मिलने वाला बाहर, आप खुद से बना लो। ये रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, पर आपको उस लेवल की चीज़ें नहीं मिलेंगी और उसको
इसको लेके भी मैंने लोगों को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा है। तो अगर ये भी एक रीज़न बनता है लोगों का डिसीजन लेने का, अगर कोई फूडी बंदा है तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर मैं बात करूँ सोशल लाइफ की, सुड भी और यू आर मिसिंग आउट एवरीथिंग। तो इंडिया में ये एक बहुत एडवांटेज है, सोशल लाइफ यहाँ इतना अच्छा नहीं है जैसे US में है, कनाडा में है। जो सोशल लाइफ है, इवेंट्स जिस तरीके के होते हैं बट वो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं होते हैं। अभी शायद होना भी स्टार्ट हुए हैं, मे बी 5 साल में डिफरेंस आएगा। पर यू डजेंट फील लाइक कि यार ये दिवाली है, ये होली है, आप बर्थडे पार्टीज़ अटेंड नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स आपके भाई बहन की शादी है तो आप जाओगे, लेकिन उसके अलावा आप सब कुछ जो है वो मिस करोगे। सबसे बड़ी बात, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से दूर हो जाओगे। शुरू में तो मज़ा आएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप ऐसे प्राणी हो जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हो, सारे फंक्शंस अटेंड करते हो घर परिवार के, तो वो एक बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर होगा आपके लिए, ये पक्का। और बहुत सारे लोग मूव करते भी नहीं है, पैसा उनके लिए मैटर भी नहीं करता कि हाँ, कितना सेव हो रहा है। Exactly. जिनके लिए ये कि यार छोटे छोटे इवेंट्स हमें देखने हैं, हमें अटेंड करने हैं, तो वो लोग पैसा एक कंसीडर ही नहीं करते हैं फैक्टर। तो ऑफ कोर्स ये आपके ऊपर है। और इसके अलावा फिर आप जो इमीडिएटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा वो आएगा, आप आदत डाल लो पेशेंस, सब्र की, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की अपॉइंटमेंट होती है, तो आपको हर चीज़ के लिए टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट मिलनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी सर दुख रहा है इमीडिएटली, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आप हॉस्पिटल जा सकते हो, लेकिन आपको ऐसे इमीडिएटली डॉक्टर कोई भी अटेंड नहीं करेगा, आपको हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, घर ढूंढना उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, कोई भी आप XYZ कुछ भी काम आपके दिमाग में आएगा हर चीज़ की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और हर चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ स्लो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सुपर फास्ट लाइफ की आपको आदत है तो वो एक चेंज आएगा लाइफ। एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है या आपके जो टैक्स कट रहे हैं मंथली 40-55%, उसमें आपका मेडिकल जो है वो पूरा कवर हो जाता है। तो आपको वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि यार आपको बीमारी के लिए भी कुछ पैसा सेव करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल अमाउंट जो है वो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसमें आपको यहाँ के सिस्टम में ऐसा है कि आपका पूरा जो है वो इंश्योरेंस पे करती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर किसी के बच्चे हैं या प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, तो आपको एजुकेशन के लिए कुछ पे नहीं करना है, एक वो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है यहाँ पे मूव होने के लिए लोगों के लिए। और एंड ऑफ द डे एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी होता है जो आप डेली लाइफ में फील करते हो, वो है एनवायरनमेंट। तो साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, फ्रेश एयर है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हैं जिनकी सैलरी ये है वो शायद मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली में होंगे, जहाँ पर यार पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन यहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, चीज़ें नीट एंड क्लीन है, आपको हेल्थ के अंदर खुद से डिफरेंस फील होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को वहाँ पे एलर्जी होती थी, खांसी वासी की प्रॉब्लम होने लगी थी, ये सब होने लगी थी, पर जब से यहाँ शिफ्ट हुआ वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो आपको माइनर चेंजेस दिखेंगे आपकी बॉडी के अंदर भी, मेंटली और फिजिकली, तो वो एक एडवांटेज है काफ़ी बड़ा। इसके अलावा जो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है किसी को भी मूव करने के लिए, वो ये है यूरोप ट्रैवल और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन। यूरोप ट्रैवल तो यार सभी करना चाहते हैं, तो जब आप यहाँ मूव करते हो तो आपका जो वीज़ा होता है उसमें आप सारी यूरोपियन कंट्रीज़ घूम सकते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है यहाँ मूव करने का। मान लो कि आप इंडिया में किधर कहीं रह रहे हो और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, वही यहाँ पर होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो, तो आपको अगर कल स्विट्ज़रलैंड जाना है तो आप वहाँ जा सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्लस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है जर्मनी का, तो अगर आपको एक जगह से एक ही एरिया से दूसरे एरिया में जाना है तो बहुत ही ईजिली चले जाते हो। और ये बात मैं टैक्सी की बात नहीं कर रही हूँ कि आप टैक्सी जैसे अपने ओला उबर वगैरह होती है, ओला उबर यहाँ पर महंगी पड़ती है, आप इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते डे टू डे लाइफ में, लेकिन आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब बेसिकली यहाँ की जो ट्रेन्स होती हैं, बसेस होती हैं, उससे भी आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच सकते हो बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स में। तो अभी जो है वो 49 यूरो मंथली में आप कहीं पर भी जॉब। अब हम थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं। तो दीपक, जैसे 25 लाख इंडिया में सैलरी है, इट्स अबाउ एवरेज, मतलब इट्स अ गुड सैलरी है इंडिया में एक्चुअली 25 लाख। अगर हम बात करें जर्मनी की 60K, तो यहाँ की जो एवरेज सैलरी है जर्मनी की वो 47,700 यूरोस अप्रॉक्सीमेटली इतनी है, जिसमें अक्रॉस सारे ही डोमेन जो हैं वो इंक्लूडेड है।
कुछ डोमेन्स की सैलरी बहुत अच्छी होती है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉज फर्म हो गए, इंजीनियरिंग हो गई, इनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती है। उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है कि एवरेज सैलरी क्या होती है सबकी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ दूंगी। पर एवरेज सैलरी अक्रॉस जर्मनी वो 47,700 यूरोज़ के लगभग है। अब आपको अगर 60,000 यूरोज़ मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो दीपक हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें सिटीज़ को भी इसमें कंपेयर करें। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे कि इंडिया में भी अगर हम बात करें तो मुंबई बहुत महंगा है ना, अपार्टमेंट वहाँ पे प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी है। ऐसे यहाँ पर भी ईस्ट जर्मनी में सस्ता है, वेस्ट जर्मनी में थोड़ा महंगा है, साउथ काफ़ी महंगा है, उसमें भी बायर्न, म्यूनिक और बाडेन वर्टेम्बर्ग, स्टुटगार्ट और बर्लिन, ये कुछ ऐसी स्टेट और सिटीज़ हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं। जैसे 25 लाख सैलरी है तो आपको पता है कि आप उसमें कितना सेव कर रहे हैं, यू नो बेटर, क्योंकि अब हम इंडिया से निकले हुए बहुत टाइम हो गया, आपको पता है आपका कितना टैक्स कट रहा है, कितनी इन हैंड सैलरी आ रही है, उसमें आपका लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना सेव कर रहे हैं। तो 60K अगर आपकी सैलरी है मान के चलो, तो आपको जो इन हैंड आएगा, हम दो सिनेरियो की बात करेंगे, एक कोई बैचलर है, सिंगल है, अकेला है, दो कोई कपल है, मैरिड कपल है उनके लिए, ठीक है। तो अगर हम किसी बैचलर बंदे की बात करें तो 60K पे उसको अराउंड 3100 कुछ सैलरी मिलेगी, 3100 यूरोस पर मंथ टैक्स कट करने के बाद। जर्मनी की सबसे एक्सपेंसिव सिटी म्यूनिक है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो अगर एक सिंगल पर्सन यहां रहता है तो वो 1500 से 2000 यूरो आप मान लो कि उसका खर्चा हो गई, क्योंकि इधर पर रेंट सबसे हायर है, तो रेंट में ही बहुत सारा अमाउंट जो है वो आपका चला जाएगा। तो यू कैन कंसीडर कि आप एज ए सिंगल हो तो 1500 से 2000 यूरो तो आपके यहाँ पर खर्च होंगे एवरेज लाइफस्टाइल जीने के लिए। हाँ, अगर आप एक सिंगल अपार्टमेंट लेते हो तो वो 800 से 1000 यूरो तक मिनिमम मान के चलो आप, म्यूनिक की बात कर रहे हैं हम सिटी की, और ऊपर से आपके 500-600 यूरो मंथली खर्च होंगे ग्रॉसरी में, इधर उधर चीज़ों में, तो मिनिमम 1500 आप मान के चलो और 2000 तक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा लाइफस्टाइल है। तो ये हो गए सिंगल बंदे की। तो अगर मान के चलो 3100 मिल रहे हैं और आप थोड़ा अच्छे से नॉर्मल रह रहे हो तो 2000 आप स्पेंड कर रहे हो, तो अराउंड 1100 यूरोस आप बचा सकते हो। आप ज़्यादा भी बचा सकते हो, डिपेंडिंग आप कैसे खर्च कर रहे हो। फिर अगर कोई कपल है तो कपल का और सिंगल्स का यहाँ पर टैक्स क्लास अलग होता है। तो अगर कोई कपल है, मतलब मान के चलते उसके हस्बैंड जॉब कर रहा है या वाइफ जॉब कर रही है और दूसरा जॉब नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है उसके बारे में बाद में बताएंगे, तो जो बंदा जॉब कर रहा है उसका टैक्स क्लास 3 हो जाता है। सिंगल बंदे का टैक्स क्लास 1 होता है, टैक्स क्लास 3 में आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है, टैक्स कम कटता है। तो वही 60,000 पे किसी कपल को जो बंदा जॉब कर रहा है उसे मिलेंगे 3400 to 3500 के बीच में, करीबन 300-400 यूरो एक्स्ट्रा। अगर आप कपल रहेंगे तो आप एक डिसेंट स्पेस देखेंगे, एक डिसेंट अपार्टमेंट देखेंगे, तो उसका रेंट एवरेज 1300 से 1500, जो एक मतलब एक बहुत ही बेसिक सा अपार्टमेंट होगा, उसमें एक रूम और एक हॉल होगा। तो अगर हमें पूरा एक्सपेंडिचर की बात करूं, एक्सपेंसेस की बात करूं, तो मंथली आराम से 2000 मान लो, 2000 से 2500 के बीच में। हाँ, सो 2000 से 2500 के बीच में आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आप मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं आप इंडिया से 25 लाख की सैलरी छोड़ के आ रहे हो, तो आपके लाइफस्टाइल भी ऐसी होगी कि आप और भी जगह खर्च करोगे, तो उतना आपका खर्च होगा। इंडिया का आप मान लो कि अभी जैसे 91 रेट चल रहा है, तो आप अराउंड 1 लाख के आसपास मान लो, आप सिंगल बंदा है तो 60K पे एक लाख बचा लेगा, कपल बंदा है तो भी 60K पे 1 लाख के आसपास बचा लेगा। इतना ही आप बचा सकते हो, आप कोई ड्रास्टिक सेविंग्स नहीं कर सकते। अब ये जो आपके सेविंग्स, जो आपका एक्सपेंडिचर है, उसमें आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो आई डोंट नो, अभी जैसे 1,35,000 अगर आपको इंडिया में मिल रहे हैं तो कैसी लाइफस्टाइल हो सकती है वहाँ पर, पर अगर यहाँ पर आपको इतना पैसा मिल रहा है तो आपकी एक लाइफस्टाइल जो होगी वो एवरेज या एवरेज से थोड़ी अच्छी होगी, क्योंकि है ना एवरेज सैलरी 47,000 है, तो उससे थोड़ी अच्छी वो होगी। एक्चुअली लाइफस्टाइल आपकी वैसी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर लाइफस्टाइल सबकी सेम है, स्पेशली यहाँ पर कंपेयर करें तो। पहली चीज़, आप जो घर लोगे वो कोई अल्ट्रा लग्जरी या कोई ऐसा बड़ा, बहुत बड़ा घर नहीं होगा, एवरेज घर मिलेगा आपको अपार्टमेंट रेंट के लिए। 1 BHK ही ले पाओगे, 2 BHK आप भूल जाओ, उसके लिए रेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगेन हम म्यूनिक की बात कर रहे हैं और जगह डिफरेंट होगा, तो आपका नॉर्मल घर होगा 1 BHK टाइप का। दूसरी चीज़, आपको सारे काम खुद से करने, आप हाउस हेल्प अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आप सोचो कि कुक और ये सब चीज़ें, वो नहीं होगा, वो आपको खाना सफाई वो सारे काम खुद से करने पड़ेंगे। तो ये एक आपका लाइफ में डिफरेंस आएगा। वहीं इंडिया में जितना मुझे पता है, इस सैलरी पे आप एटलीस्ट हाउस हेल्प वगैरह आप अफोर्ड कर लेते हो। तो
उसके बाद आप सोचो कि सारा काम करके, सारी चीज़ें करके और आपकी लाइफ में ये डेली चेंजेस आने के बाद आप 1 लाख बचाते हो, वहीं इंडिया में आप उसमें कितना बचा रहे हो या क्या स्कोप है आपकी सैलरी बढ़ने का और कितनी आपकी लाइफ कंफर्टेबल है, और बाकी जो फैक्टर्स जो हम बता रहे हैं कि फैमिली, सोशल लाइफ, ट्रैवल सिस्टम, आपका एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें, वो सब के बारे में आप कंपेयर करके आप अपने आप डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ बचे जैसे आपके 1000 यूरो मंथली, ठीक है, उसके बाद मतलब ये तो दीपक एक मनी हो गई है ना, बहुत सारे लोगों को मनी भी मैटर नहीं करती, ठीक है यार 1000 यूरोज यहाँ बचा रहे हैं, वहाँ 50,000 रुपये भी बचा रहे हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। बहुत सारे लोग, जितने लोगों से हमने बात करी, वो एज ए एक्सपीरियंस के लिए भी किसी भी न्यू कंट्री में मूव करते हैं, क्योंकि वो नया कल्चर देखना चाहते हैं, वर्किंग कल्चर देखना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स हमारे एक्सपीरियंस पे भी हमने देखा कि आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हो जब आप बाहर निकलते हो, है ना, अपने जोन से बाहर निकलते हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने मिलती है जिससे आप बहुत सारे लाइफ लेसन सीखते हो, प्लस वर्किंग में भी आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी सीखते हो। अब मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी जो कि है लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस, कि अगर आप बहुत लंबा रुकते हो यहाँ पर तो आप कौन से ऐसे एडवांटेज देखने लगते हो जिसके लिए आप मूव, मतलब आप फिर से इंडिया वापस नहीं जा पाते या डिसीज़न नहीं ले पाते। तो एक तो चीज़ हो गई दीपक, ऑफकोर्स जब आप फैमिली बढ़ाते हो तो आपको एजुकेशन फ्री है, वेयर एज इंडिया में अब एजुकेशन जो है वो बहुत महंगी हो गई, एक्सपेंसिव हो गई है, तो वो एक फैक्टर होता है जिसकी वजह, जो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। मेडिकल ऑफकोर्स जो मैंने बात करी कि आपको मेडिकल के लिए कुछ यहाँ पर खर्चा नहीं करना पड़ता, एंड थर्ड चीज़ इज़ अगर आप यहाँ पर मतलब रिटायर होते हो तो आप पेंशन स्कीम का भी हिस्सा रहते हो। तो ये सारे पॉइंट्स तो हैं, इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ 2 साल या आपने टैक्स पे किया हुआ है यहाँ पर और इनकेस आपकी जॉब चली जाती है तो आपको यहाँ पर आरबाइट लॉस करके भी, मतलब वर्क अगर आपका नहीं है तो भी गवर्नमेंट आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी कुछ टाइम तक देती है, तो वो भी एक जॉब सिक्योरिटी टाइप की फीलिंग रहती है यार, कि ऑल ऑफ अ सडन आपको एकदम से कोई धक्का नहीं लगेगा। तो जब आप बेनिफिट्स और छोटी छोटी चीज़ों के आप एडवांटेज देखने लगते हो लॉन्ग टर्म में, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर रहना, उसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता। अभी स्पेशली अभी जो करंट का सिचुएशन है और जो करंट पॉलिसीज़ हैं उससे कंपेयर करूँ मैं इंडिया की, हाँ, वेयर इज़ हम इंडिया में जैसे हम लोग टैक्स देख रहे थे कि इंडिया में भी टैक्स जो है अब अच्छे खासे हो गए हैं, जैसा मैंने देखा 10 लाख के ऊपर शायद 30% हो गया है। बट देन लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि अगर मैंने आज जॉब लूज कर ली तो मुझे गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी, है ना, इट्स नल, है ना, आप जितना भी पैसे दे रहे हो वो कहीं जा रहा है एंड यू डोंट नो। सेविंग की बात हुई तो आप 1 लाख रुपीज़ तक बचा सकते हो यहाँ पर 1000 यूरो, विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट अगर आप मतलब यंग एज में यहाँ पर मूव कर रहे हो, इट्स अ डिसेंट अमाउंट। बाकी हमारा मोटिव इस वीडियो में यही था कि हम आपको सारे ही डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस बात करें ताकि आपको डिसीज़न लेने में इजी रहे कि क्या हमें जर्मनी मूव करना चाहिए 60K सैलरी पर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें बिना मत जाना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी पुराने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जिस पे हमने बहुत सारी सैलरीज की बात करी हैं, प्लस एक्सपेंसेस की बात करी हैं, वो भी जाके देख सकते हो। एंड अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।